हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि भारत की कोई परीक्षा हो, अगर वर्तमान परिदृश्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए चाहे जितनी बड़ी परीक्षाएँ हों उसके लिए सबसे ज़्यादा सजेशन जो आता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर तो सभी कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, और अखबार पढ़ना जरूरी क्यों होता है, अखबार पढ़ना चाहिए नहीं, क्या अखबार पढ़ने से आपके करंट अफेयर के ही प्रश्न बन पाएंगे, क्या आप परीक्षा में जो और प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के अलावा क्या आप उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, वेस्ट है। लेकिन राज्य की बात करते हैं, यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी दो पेपर आपके लिए फिर कॉमन हो जाता है, एक द हिंदू, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड। क्योंकि इस बार से UPSC ने भी लिखित परीक्षा का मेंस में आयोजन करने का प्रावधान किया है, अब से जो होना है आप आगामी जो भी मेंस लिखे जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब अन वन डे एग्जाम अन्य परीक्षाओं की हम बात करते हैं जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन हो, चाहे PT हो आपका UPSC चाहे UPSC की, जो PT की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा 30-35% प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से होते हैं, बाकी जो जनरल स्टडी के प्रश्न होते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट के इर्द गिर्द होते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। बिना न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका अगर नहीं पता है तो सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देखिए आप अलग अलग, अगर आप 3-4 की संख्या है, रूम पार्टनर है, तो 2-3 पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो सजेस्ट करूंगा पहले वो करूंगा, एक सस्ती अखबार आती है राष्ट्रीय सहारा, 3 रुपये MRP की आती है, आकर आपको 3 या 4 रुपये का ही देगा। फिर उसके बाद उसके साथ चाहे जनसत्ता पढ़ लें चाहे उसके साथ द हिंदू, दो पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सहारा पढ़ लीजिए, सहारा राष्ट्रीय सहारा 3 रुपये MRP की आती है, और सबसे बड़ी बात जिस दिन शनिवार होता है उसके लिए लेख बड़े अच्छे आते हैं हस्तक्षेप के। और अगर दैनिक जागरण, जनसत्ता में से कोई एक ले ले जो आपके पास मौजूद हो। प्रयास करेंगे कि मोबाइल की PDF ना पढ़ें, उससे ज़्यादा बेहतर है आप खुद से आकलन करें। अब आप पेपर लीजिए, मेरे इस समय मेरे पास दैनिक जागरण है, क्योंकि अचानक में आपने पूछ दिया था एक लोगों ने कि कैसे पढ़ाने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक जागरण है। अब पेपर को खोलेंगे तो आज के में पहले पेपर पे दे दिया है एडवर्टाइज, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। तो इस एडवर्टाइज में दिया है हर वोट कुछ कहता है, हर वोट महत्वपूर्ण, हर वोट होते हैं अपने मुद्दे, हम हर वोट हैं भारत की उम्मीदें। तो यहाँ से कुछ भी लिखने लायक नहीं है, कि कुछ लिखने लायक आपको लगा, पहला प्रश्न उठ गया कि क्या वोट देना क्या है, उंगली लिख दी, ये किसका सिंबल है वोट देने का। तो वोट देना कौन सा अधिकार है, क्योंकि मैं आपको बताया भी था, आज मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कैसे पेपर GS के बनते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप एक अध्यापक है, पहले मैं बता लेता हूँ फिर पेपर की बात करता हूँ, जैसे आपको मैं कह दूँ कि पेपर में क्वेश्चन बना के देने हैं, अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो आदमी को कह दिया जाए कि मुझे 10 दिन में एक क्वेश्चन बना के दीजिए आप पॉलिटी से, तो या इतिहास से, या भूगोल से, या साइंस से। तो प्रयास क्या करते हैं, आप तत्काल के मुद्दे को देखें, जैसे आपने देखा यहाँ पे उंगली देख लिया, अखबार पढ़े तो उंगली निशान पड़ेगा, तो आपने पूछा ये क्या है, तो तुरंत आपने क्वेश्चन बना दिया कि वोटिंग करने के बाद या वोट देने के बाद उंगली पे जो इंक लगाया जाता है उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है, 4 विकल्प दे दिया। अब सिंधु नदी की बात आई है, अभी आगे हम लोग अखबार में पढ़ेंगे, सिंधु नदी की बात आई है, सिंधु नदी की बात आने से सिंधु नदी क्या है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता किनके किनके बीच हुआ था, सिंधु नदी विवाद कब कब आया, सिंधु नदी उद्गम स्थल क्या है, किन किन राज्यों से होकर किन किन देशों से होकर जाती है, भारत में कितना है, उसके किस तरफ जम्मू है और किस तरफ कश्मीर है, वुलर झील उसके किस तरफ है, किस दर्रे से होकर गुजरती है और कहाँ से वो निकलती है, और कहाँ जाने के बाद वो पंचनद में एक साथ मिलती है। तो कई प्रकार के आपके भूगोल के प्रश्न तैयार हो गए, हमने उठा था टॉपिक एक, और उसी से क्या होंगे, कई 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पिकुल पेपर पढ़ा, अब हमने यहाँ पढ़ लिया, जबकि एडवर्टाइज है, लेकिन इस एडवर्टाइज से हमें प्रश्न क्या मिला कि उंगली पे जो लगाया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है, उसका फार्मूला क्या है, आप बताइएगा उसका फार्मूला क्या, नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे आपको कुछ देर के बाद, ठीक, उसका फार्मूला क्या है। फिर वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये समीक्षा अधिकारी PCS दोनों में पूछ चुका है और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में पूछ चुका है। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है, कौन सा राइट होता है मत देने का। फिर दूसरा UPSC IAS ने पिछली बार पूछ लिया था, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, आप कहेंगे अरे ये तो प्रश्न कैसे, क्योंकि इसी सिंबल को देख के प्रश्न बना हुआ है। अब पूछा प्रश्न है पिछले साल IAS का पूछा क्वेश्चन है और समीक्षा अधिकारी 2014 का पूछा प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। फिर पूछा है मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो सामने फ्रंट से हमें इतनी चीजें मिल गई, वास्तव में इस पेज को हम इग्नोर कर देते, लेकिन हमें क्या क्या चीजें मिली, पहला मिला
मतदान दिवस कब मनाया जाता है भारत में, मतदान दिवस क्यों मनाया जाता है, मतदान दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर और आगे बढ़ते हैं हम। फिर ये हुआ कि वोट देने के बाद उंगली पे जो स्याही लगाई थी, स्याही क्या होती है, ठीक। फिर और आगे बढ़ते हैं, मत देना कौन सा अधिकार है। फिर हम लोग आते हैं इसी पेज पे भी वही है, ठीक, चुनाव 360 डिग्री, चुनाव चौपाल, लोकतंत्र क्या है। फिर आएगा एक शब्द इसमें है लोकतंत्र, राज्यों का लोकतांत्रिक परिचय। तो सभी राज्यों का लोकतांत्रिक परिचय का मतलब अभी आगे बताएंगे, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी शब्द खत्म हो जाता है। अब लोकतंत्र पर जाइए, लोकतंत्र क्या है, किन किन देशों में लोकतंत्र है, लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र देश हित में है या नहीं, लोकतंत्र के क्या अपवाद हैं, क्या फायदे हैं। फिर आता है, फिर इस पेज में मिला कि 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, आचार संहिता तत्काल लागू। अब आचार संहिता शब्द मिल गया पहला। अब ये होगा आचार संहिता क्या होता है, ये भारत में कब लगता है, या आचार संहिता कब प्रभावी होता है, आचार संहिता कब प्रभावी होता है। तो जिस दिन चुनाव तिथि के ऐलान होती है, उस दिन संपूर्ण देश में जिस स्थान पर होती है जैसा चुनाव, पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाता है। इस समय बागडोर किसके पास चला था, आचार संहिता है क्या, ये धारा जनप्रतिनिधि की किस एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है, और कब कब इसका संशोधन किया गया, क्या आचार संहिता वास्तव में पावरफुल होता है, आचार संहिता को सबसे ज्यादा शक्ति देने वाले उस मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था। तो फिर अपने आप उसका जहन में आपका नाम आ जाएगा, वो चुनाव आयुक्त कौन था। फिर वो बाद में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन वास्तव में आज जो वर्तमान चुनाव की परिदृश्य देखने को मिलती है, आज जो जितनी ज्यादा ये दिखती है कि चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है, चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, वास्तव में किसी एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया था, उसका नाम हमें खोज के बताइएगा कब कौन था वो, ठीक। और नाम बड़ा 3 अक्षर के नाम थे, 2 शॉर्टकट में थे, एक बड़ा नाम था, छोटा ही नाम, 3 अक्षर के नाम थे, तो उनके नाम आप बताइएगा। फिर उसके पहले कैसे होते थे, ये कौन सा चुनाव है, आम चुनाव है, ये कौन सा लोकसभा का चुनाव इस बार तिथि हुआ, और सबसे बड़ी प्रश्न पीछे से पूछा था कि यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, कितने पहला चरण कब होगा, अंतिम चरण कब होगा। फिर ये पूछ लेगा आपके प्रदेश, माने उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, किसी प्रदेश का नाम दे देगा, पूछेगा वहां कितने चरणों में मतदान होना है। अब कहेंगे पहले पेज में कहां है, ये पहले पेज में है, अलग अलग राज्यों के बारे में, किन किन राज्यों में कितने कितने चरणों में मतदान होगा। तो ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में मतदान होगा। फिर जिस दिन चुनाव तिथि घोषित होती है, उसी दिन चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, वो ये भी बताते हैं कि कितने मतदाता नए हुए, कितने मतदाता इस बार मतदान का प्रयोग करेंगे। तो महिला परसेंटेज कितना है, पुरुष परसेंटेज कितना है, महिला संख्या कितनी है, पुरुष संख्या कितनी, पिछली बार कितनी थी, इस बार लोकसभा में कितनी है, ये काम का हो गया। फिर इसे बहुत कुछ पढ़ने का है, तो उसको हम पूरा पढ़ेंगे। फिर आम चुनाव कब से शुरू हुआ है, प्रथम लोकसभा कैसे हुआ था, द्वितीय, अब इतनी चीजें आपको अपने आप सामने आ गई। फिर अगला पेज खोलते हैं, तो अगला पेज जो होता है वो जनपद से होता है, उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पलट दीजिए। फिर आते हैं लास्ट पेज पे, जहां है देश विदेश। फिर हमने देखा इथियोपिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, तो इथियोपिया से काम खत्म। अब देखना इथियोपिया का राजधानी क्या है, इथियोपिया विश्व के नक्शे में कहां है, इथियोपिया किसके लिए प्रसिद्ध है, अब भारत से उसके कैसे संबंध है, वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे कोई मतलब नहीं, पहले ये मतलब है क्या क्या चीजें वहां की महत्वपूर्ण, वहां के कल्चर क्या, वहां की संस्कृति क्या। कम से कम एक दिन में एक देश का नाम तो याद हुआ, इथियोपिया, ठीक ठीक। अब जैसे इथियोपिया की राजधानी क्या, अदीस अबाबा, तो ये भी आपको पता हो जाएगा इसकी राजधानी अदीस अबाबा है, ठीक, अदीस अबाबा। तो इथियोपिया का जब नाम आया, इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता हो जाएगा। चलिए फिर अब वेनेजुएला में बिजली गुल, 15 की मौत। अब वेनेजुएला कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है, अभी छोड़ी बिजली गुल नहीं मतलब नहीं, अब वेनेजुएला आपके दिमाग में बन गया, वेनेजुएला के बारे में पढ़ा, भारत उसके कैसे संबंध है, वेनेजुएला किस लिए विख्यात है, उसकी राजधानी क्या, विश्व के मैप में कहाँ है, तो आपको वह देश की लोकेशन आपको याद, और किस महाद्वीप में अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर आगे है उत्तर कोरिया में डाले गए वोट, किम जोंग की जीत है। अभी उत्तर कोरिया क्या है, अब वहाँ वोट क्यों डाले गए, क्या वो लोकतांत्रिक है या नहीं, वो तानाशाही है क्या है, इसके बारे में आप पता किए। फिर दवाओं के साथ चकोतरा का सेवन से हो सकता है घातक, अब ये कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसको पढ़ लीजिएगा, वरना ये नहीं पढ़ेंगे फिर आपको प्रतिबंध दर्पण में पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं इस बार नई राय में आपको दिया है कामयाबी के रंग और संकोच का करे त्याग, मतलब कुछ लेख दिए हैं आगे बढ़कर ही तलाशे अवसर, ये है आपको मोटिवेट करने के लिए है। फिर आते हैं तैयारी विश्व कप की, अब आते हैं खेल में, खेल में कल जो मैच हुआ उस मैच में ये देखिएगा किस क्या इस बार स्कोर रहा, सबसे बेहतर कौन खेला, किसने कौन सा शतक लगाया, ठीक, और किस मैदान में हुआ, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ, मैन ऑफ द सीरीज, अभी सीरीज तो हुआ नहीं होगा, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ। इसके बाद
उसके बाद देखते हैं कि फुटबॉल की डायरी में फुटबॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, लियोन मेसी और वर्सिला के बारे में, तो वर्सिला क्या है, लियोन मेसी किस देश से खेलते हैं, छोटी सी जानकारी आपको, क्योंकि विश्व कप है नहीं, उसका उतना हम रोल नहीं है, टेनिस का कोई दिया ही नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अर्थ जगत में, आगे तो अर्थ जगत क्या पूरा इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है। चलिए अब आया क्या है, क्या होता है जानिए, जीएसपी। अब जीएसपी क्या, इसको जान लेते हैं, और ये कब प्रारंभ में आया, कब शुरू हुआ, इसका भारत में क्या काम है, किस तरह से उपयोगी है, अब इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए नहीं, क्या ये देश हित में है या नहीं, इसके हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अमेरिका के हित में होने पर ही चीन ने होगी डील ट्रंप, अब यहाँ ट्रंप और चाइना क्या करेंगे, अब दोनों का डिप्लोमेसी पढ़ेंगे, फिर अपनी चाइना से पढ़ेंगे, अपने देश की अमेरिका से पढ़ेंगे, जिस बारे में हो रहा वो उसका क्या, हमारे देश का क्या रोल है, फिर औद्योगिक उत्पादों महंगाई आंकड़ों से दिशा लेगा बाजार, जैसे इस समय क्या उद्योग बढ़ेंगे और महंगाई भी लेने की संभावना, तो महंगाई क्यों बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है तो महंगाई का मापन किसके पे किया जाता है, ये थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, हमारे देश में महंगाई किस पे की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक पे, ये थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, इसको कैसे मापा जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, सरकारी बैंकों ने ग्राहक से छीन रहे निजी बैंक, सरकारी बैंकों ग्राहक छीन रहे निजी बैंक, अब ये क्या है, सरकारी बैंक किसे कहते हैं, निजी बैंक किसे कहते हैं, किस प्रकार छीन रहे हैं, ये सरकारी बैंक निजी बैंक कब थे, कब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं, निजी बैंक कितने हैं, आरबीआई द्वारा सरकारी बैंक के लिए क्या योजना है, निजी बैंक के लिए क्या है, निजी बैंक किस प्रकार प्रभावी हो रहे हैं, निजी बैंक से अगर आप एक कस्टमर हैं तो किस बैंक में अपना खाता खोलना पसंद करेंगे, निजी बैंक क्या, क्योंकि निजी बैंक क्या क्या आपके लिए बेनिफिट दे रहे हैं और सरकारी बैंक क्या क्या दे रहे हैं, तो ये सारा कंपैरिजन क्या करेंगे, आप अपने आप से करेंगे। अब निजी बैंक को स्वामित्व को तय करने के लिए अब इसकी समीक्षा करेगा आरबीआई, तो आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई काम क्या क्या है, आरबीआई बैंकों का निर्धारण किस प्रकार करता है, बैंकों के लिए नियम कानून कैसे बनाता है, ये हम आरबीआई को पढ़ लेंगे। फिर दिव्यांगों की स्कूल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोर्ट आदेश, ये दिव्यांग क्या होता है, पहले दिव्यांग को पहले विकलांग सप्ताह उसे दिव्यांग कहा गया, अब दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है भारत में, कब मनाया जाता है, दिसंबर महीने मनाया जाता है, चलिए ठीक। फिर ऐसा सरकार ने क्यों किया, इसका रीजन क्या था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर कहा, कौन सा अधिकार था, क्या दिव्यांग को आरक्षण मिलना चाहिए, किस किस तरह से मिलना चाहिए, कितना परसेंट क्या होता है, ये हो गया आपका। किसी वैज्ञानिक चयन बोर्ड मिला वैज्ञानिक चेयरमैन, अब कौन चेयरमैन नियुक्त हुआ उसके बारे में लिख लीजिए, इसके पहले कौन चेयरमैन था, इसके चेयरमैन की नियुक्ति कैसे होती, कौन करता है, यह आपने पढ़ लिया। फिर राज्य के सिलिकोसिस पीड़ितों को मुआवजा का चलन, ब्रेग्जिट पर संकट मुश्किल में ब्रिटेन की टेरिजा सरकार, ये ब्रेग्जिट क्या है, पता चला कुछ दिन पहले यूरोपियो में टूटने की वजह से ब्रेग्जिट का बना था, ब्रेग्जिट क्या है, ये टेरिजा क्या है, टेरिजा वहाँ की कौन है, ठीक ये आपका हो गया। अब आते हैं सप्तरंग के बारे में, साहित्य को पुनर्वास दिया है, जिंदगी का सांस्कृतिक शहर, कुछ सांस्कृतिक शहर के बारे में उल्लेख किया है, जैसे इस समय दिया है कहाँ का, चेन्नई का, तो चेन्नई के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसमें क्या होगा, पूरा चेन्नई के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने पढ़ लिया चेन्नई का इतिहास क्या है, तो पता चला वहाँ के कुछ हमें शासकों के नाम मिल जाते हैं, चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास था, फिर उसके इतिहास को पढ़ लेते हैं, उस समय भौगोलिक स्थिति क्या है, और चेन्नई का हमारे देश में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्या योगदान है, क्या कल्चर है, वो किस राज्य में पड़ता है, उस राज्य की क्या विशेषता है, ठीक। फिर आगे आते हैं, और बाकी विशेष कुछ नहीं, इसी को पूरे पेज में दिया है, अमन शांति की बात कही गई है। फिर आगे आते हैं, राम मंदिर पर कोई समझौता नहीं, मध्यस्थता करने वाले इसी दिशा में जाए स्वागत। अब देखिए अभी कोर्ट ने हाल ही में राम मंदिर का जो फैसला था वो मध्यस्थता की बात कही, कोर्ट ने निर्णय देकर क्या कहा, मध्यस्थता की बात कही, तो मध्यस्थता क्या होता है, क्या कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार होता है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, कोर्ट के पास ऐसा क्या रीजन था, राम मंदिर का मामला सबसे पहले कब आया था, इस समय किसके बीच में है, आपके हिसाब से वहाँ क्या मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद क्यों बनना चाहिए, क्या वह धार्मिक आस्था का विषय है अथवा नहीं है, अगर धार्मिक आस्था का विषय है तो क्या दोनों धर्मों के लिए है, क्या वो केवल जमीनी झगड़ा है, इन सभी बातों के हम लोग फोकस करेंगे। पहली बार इसको गुत्थी कौन सुलझाया था, 1949 में क्या मामला हुआ था राम मंदिर का, फिर 87 में क्या मामला हुआ, 1991 में क्या मामला हुआ, फिर इसके बाद प्रक्रम में बढ़ते जाएंगे, कब कब क्या क्या मामला आया, कब इस मामले में किस मुख्यमंत्री ने, किस राष्ट्रपति ने, कब सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 142 का प्रयोग, 143 का प्रयोग करके उनसे मांगा था जवाब, क्या मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए, इस तरह के तमाम प्रश्न आपको खोजने हैं। अब कहाँ खोजेंगे, अब वो पॉलिटी में मिलेगा। फिर आगे मिला पद्म पुरस्कारों से आज नवाजी जाएंगी 56 हस्तियाँ, ये पद्म पुरस्कार क्या होता है, उसमें प्रमुख प्रमुख हस्तियाँ कौन सी हैं, उन हस्तियों में कौन कौन से ऐसे कवकृति हैं, जैसे अब हिंदी में यहाँ देखना है कौन कौन से कवि ऐसे हैं जिनको साहित्य में मिल रहा है चित्र में, अब वो किस किस भाषा में मिल रहा है, अगर किसी फिल्म के कलाकार को मिल रहा है फिल्म कौन सी है, तो इसलिए हम छप्पनों के बारे में पढ़ेंगे और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चर्चित है उनका उल्लेख करते हुए चलेंगे साथ में।
भारत ने सिंधु आयोग का पाकिस्तान दौरा टाला। ये सिंधु आयोग क्या है? सिंधु नदी जल समझौता क्या है? पाकिस्तान से क्यों टाला गया? अब सिंधु नदी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कब कब समझौता हुआ था, भौगोलिककरण क्या, राजनीतिकरण क्या है और पॉलिटिशियन कारज क्या है, ये दोनों ये पूरा पढ़ेंगे। फिर आगे अब आया पीएम प्रत्याशी बनने की कोई इच्छा नहीं गडकरी। अमित सिंह गडकरी कौन है? इन्होंने क्या क्या काम किए पता चला अभी हाल ही में। कुछ उन्होंने बड़े काम किए आपके उत्तर प्रदेश के लिए, किसी का शुभारंभ किए, वो क्या चीज है हम सब इसलिए नहीं बता रहे, कुछ आप खोजे, क्योंकि ऐसे नहीं आज का पेपर पढ़ने से मामला खत्म नहीं हो गया। अमित सिंह गडकरी को पढ़ेंगे, अगर उसके पहले भी करंट अफेयर पढ़ा तो क्योंकि रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक, गंगा नदी से कहां कहां से जोड़ा, कौन सा परिवहन शुरू किया, नव परिवहन शुरू किया, कहां शुरू किया, नहीं याद है, मतलब नहीं पढ़ते हम लोग करंट अफेयर। अब आते हैं इधर बिजली, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बिजली सुधार का आगाज है, सौभाग्य, सौभाग्य क्या है मतलब सौभाग्य की योजना है। इस योजना के बारे में क्या, कब लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या इसका लक्ष्य क्या था, बस बाकी तो कुछ खास नहीं है। अब आगे यहाँ जाते हैं, अब आते हैं भाग विधाता महासमर चुनाव के बारे में, चुनाव से पढ़ने के बारे में, चुनाव के बारे में हम एक एपिसोड लेकर आएंगे। फिर आते हैं पढ़ते हैं जैसे आता है जिसे हम कहते हैं संपादकीय, तो संपादकीय बहुत जरूरी होती है। इसका दैनिक में दिया है भारत विरोध की ग्रंथ से पीड़ित पाकिस्तान, इसको पढ़ेंगे। इसमें से महत्वपूर्ण शब्द, इसमें शब्दावली हमारी क्रिएट होती है, लेखन लेखन शैली का विकास होता है और ज्ञान बढ़ती है। यहाँ तक कि हमें जैसे किसी से बात करना है, कोई टॉपिक रखनी है, उन सभी शब्दों का शब्दकोश मिलता है और कुछ नई नई आंकड़े प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ निबंध लेखन और मेंस लेखन के लिए आप प्रिपेयर होते हैं बेहतर तरीके से और उन बातों पर फोकस होता है जो किसी बात पर जो मामला हाईलाइटेड होता है उसी पर ज़्यादातर संपादकीय में लोग लेख लिखते हैं और वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं सीधे सीधे उठा के। अभी बताएंगे हम कितने कहाँ कहाँ किस किस वर्ष में किस किस संपादकीय से प्रश्न आए हैं। अभी लोअर पीसीएस से अपर पीसीएस जो एग्जाम होगा अभी उसका हम देख के बताएं आपको प्रश्न किस दिन के संपादकीय से उठाया गया है, तो ये भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर दोहरे लाभ वाला कारगर कामगार क्या, हमारे यहाँ जैसे विनिर्माण है, कृषि क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, विनिर्माण से औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, फिर सेवा क्षेत्र है, तो इस समय नौकरी के आसार किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, किसी क्षेत्र में जॉब क्यों कम हो रहे हैं, बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में पूरा लेख है। फिर लोकतंत्र का उत्सव, ये लोकतंत्र क्या होता है, इसका उत्सव कैसे मनाया जाता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। रक्षक या भक्षक, अब पुलिस के बारे में दिया है, पुलिस एक रक्षक है, भक्षक रक्षक है, किस प्रकार भक्षक है, अब पुलिस का गठन किस कब हुआ था, पुलिस की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ये मानवाधिकार क्या होता है, ह्यूमन राइट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर पता चला एक अच्छेद होता है, एक धारा, धारा अनुच्छेद में क्या अंतर होता है, ठीक, पुलिस का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। फिर अब आ गया चुनाव समर इधर 2019, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब उसमें चुनाव समर की जब बात करेंगे तो हर बार एक एक लोकसभा की बात करेंगे, जैसे इस बार दिया है कहीं चुनाव कहीं दावत आयोग के करें शिकायत, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही बताएं तो, और बैनर पोस्टर कैसे हटेंगे, पूर्ण आचार संहिता कब से लागू हो जाती है, कब से पूरी तरह से प्रचार प्रसार बंद हो जाते हैं, आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। और फिर एक एक राज्य का एक एक जनपद का आप विश्लेषण करा करें कि आज चलिए हम देखते हैं 1992 का चुनाव, 52 का चुनाव देखते हैं, फिर 57 का चुनाव, फिर उस आम चुनाव की व्याख्या करिए, उस समय क्या क्या कंडीशन हुई थी, उस समय मुख्य चुनाव आयोग कौन था, किसको कितने सीट मिले थे, आपके जिले से किसको सीट मिली थी, किस सरकार क्या था, इस तरह पढ़ते हुए आएंगे तो 4-8-15-20 दिन में आप 2019 तक भी आ जाएंगे। इस प्रक्रम में यह अखबार खत्म हुआ। इस अखबार को पढ़ने के साथ साथ आपके पास कम 3 पेज का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का नोट्स और उसके साथ जीएस बनकर तैयार हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे करंट अफेयर जो प्रश्न आते हैं, जैसे कोई प्रश्न बनाना हुआ, जैसे आज ही क्रिकेट का फाइनल मैच था तो प्रश्न कहाँ से बनाएंगे, वही पेपर से, कि यह मैच किस स्टेडियम में हुआ, विजेता कौन था, उपविजेता कौन था, विजेता टीम को पुरस्कार कितना मिली या उपविजेता पुरस्कार कितनी मिली, या मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, उसके कप्तान कौन थे, उप कप्तान कौन थे, या विजेता टीम कप्तान कौन थे, या मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया, मैन ऑफ द मैच कौन पाया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन पाया, यही पूछा जाता है ना। अब उस दिन एग्जामिनर के दिमाग में जो आ गया उठा लिया और हम लोग केवल देखते हैं कौन जीता कौन हारा, आगे बढ़ जाते हैं। आज जो 2-3 पेज आपके जिले से देता है वो यहाँ इतना मर्डर गोली मार के हत्या कर, उससे क्या मतलब, आपके कौन सा काम का है, वो कोई काम का नहीं। कोई भी योजना होती है तो उस दिन पेपर मत, उसके बारे में पढ़े, उसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, कई चीज़ें होती हैं। अब कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है, जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, चाहे वो जीएस का हो, तो जो जीएस होता है वास्तव में करंट अफेयर पे ही होता है और न्यूज़पेपर के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं घूम कर आता है। अब कोई मामला हुआ, अभी कभी रैली हुई या किसी ने कुछ वक्तव्य दे दिया, अभी आज का पेपर कल का होता तो कल का बताते, या जो भी कोई वक्तव्य दे देता है उस वक्तव्य को खोजते हैं हम, ये क्या कह गए, तो हर बात को पढ़ने के बाद उसे अपने अपने सब्जेक्ट से जोड़ते हैं,
उस टॉपिक को अपने सब्जेक्ट जोड़ते हैं, वो सब्जेक्ट में आपके कहाँ है, अपने सब्जेक्ट जोड़ने के बाद इतिहास का तो इतिहास से, भूगोल का भूगोल से, इकोनॉमी इकोनॉमी से, पॉलिटी है तो पॉलिटी से, साइंस है तो साइंस से, उसको जोड़ के फिर जाके हम उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि जीएस भी जो बनाए जाते हैं वर्तमान समय परीक्षाओं की, वो यही से बनाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कितना पढ़ना माने नहीं रखता, माने रखता क्या पढ़ना है। वास्तव में आप जानते होंगे जब भी कोई परीक्षा का फॉर्म आता है, जैसे अभी हाल ही में कुछ परीक्षाओं के फॉर्म आए हैं, तो फॉर्म भरने की जो संख्या होती है मिनिमम मुझे लगता है 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और अधिकतम 27 लाख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन पता है वास्तव में असली इसके प्रतियोगी कौन होते हैं, वो जो क्वालिफाई करते हैं, वास्तव में जो मेहनती होते हैं, उनकी संख्या 25,000 ही होती है। बाकी लोग पता है क्या, केवल विज्ञप्ति यही फॉर्म भर देते हैं, बाकी लोग जो परीक्षा आती है सर पे आता तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। 25,000 लोग ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इस पद के प्रबल दावेदार होते हैं, और जो पीटी क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो इसके प्रबल दावेदार होते हैं। और बाकी जितने लोग उठा के इतिहास देख लीजिएगा, 27 लाख, 10 लाख से लेकर जो 27 लाख जो फॉर्म भरते हैं ना, आप कभी देखिए केवल फॉर्म भर देते हैं और किसी भी कोचिंग में दाखिला लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, कहेंगे नहीं, जैसे अब UPTET की बात करें, कुछ लोग कहते हैं UPTET एक का है, मतलब उन्हें कम पैसा मिले, अगर उन्हें कह दे कि अगर कोई कोचिंग 1,000 रुपये में चल रही है पूरी कोर्स, तो कहेंगे वहीं एडमिशन ले लो। ये भूल जाते हैं कि इसमें भी गुणवत्ता होती है। मैंने आपको बताया था ना, कपड़ा 10 रुपये मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक होता है, कीमत अलग अलग होती है। लोग समझ नहीं पाते, लोग को यह लगता है कि 1,000 रुपया देंगे तो ही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कराएंगे, 2,000 देंगे तब वो, और 10 लाख देंगे तब वो, तो कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से हुआ है, 27 में नहीं कराएंगे। लेकिन माने ये नहीं रखता, क्योंकि वो ट्रेंड खत्म हो चुका है जो पूरे रटे रटाए प्रश्न पहले पूछते थे, अब प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो गया, अब इतिहास भूगोल से सीधे नहीं पूछते, वो करंट से जोड़ कर पूछते हैं। क्योंकि अब क्योंकि जो पहले पुराने पढ़ते आए थे, आयोग कोई भी आयोग हो, वो नए चेहरे तलाशता है, वो रटे रटाए चेहरे नहीं, वो हर बार कुछ नया चाहता है, हमेशा टेक्निकल बंदे चाहता है। आपको अपने घर में काम देना है तो कैसे मजदूर को लाएंगे, मेहनती की आलसी। तो आपके जो लड़के होते हैं वो ट्रेंड चेंज करता है, हर बार आयोग ट्रेंड चेंज करता है परीक्षाओं की, चाहे कोई भर्ती परीक्षा हो, और जब उसको चेंज करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि नए लड़के हैं, पुराने इतिहास भूगोल खूब रटते थे, आज भी रटते हैं, अब वहां से प्रश्न नहीं बनाते। उठा के देखिए किसी पेपर का जो सीधा प्रश्न पूछा गया हो, अब वो नए ट्रेंड नए लड़के खोजता है, वो उन्हें 25,000 चाहिए, वो नहीं चाहिए 27 लाख, वो 25,000 वो यूनिक चाहिए, फिर इसमें से भी वो सेलेक्ट होते हैं, फिर 25,000 में से आंकड़ा कितना जाएगा, यानी पीटी की बात करें, फिर मेंस की बात करें, फिर पता चला यहाँ से 5,000 बंदे इंटरव्यू के लिए, फिर उसमें से अंतिम रूप से चयनित पता चला 1,000 बंदे हुए, तो ये 1,000 यूनिक होते हैं 27 लाख और 10 लाख की अपेक्षा। वास्तव में ये प्रबल दावेदार होते हैं, और 25,000 ऐसे होते हैं जो प्रतियोगिता के लिए फाइट करते हैं, बाकी जो होते हैं 27 लाख 26 लाख केवल फर्जी के होते हैं, फॉर्म भरते परीक्षा देते हैं, हमारी तरह फॉर्म भरा, फॉर्म आ गया, फॉर्म भर दो, और फॉर्म भर दो पहले तो 10 दिन फॉर्म भरने बाद, फिर पता चला कोचिंग करना है तो कहीं कोचिंग करने चले जाएंगे। अब बताइए एक बंदा जो 4 साल 5 साल से लगातार पढ़ रहा है, पूरा इतिहास पूरा भूगोल पूरा साइंस पढ़ लिया है, अब वो करंट पढ़ के नोट्स तैयार कर रहा है, करंट को बना रहा है, नोट्स अपनी लिख रहा है, नोट्स की व्याख्यान कर रहा है, एक वो है, और ये कब शुरू कर रहे हैं, फिर परीक्षा करता फिर कोचिंग छोड़ दिया आपने, तो आप सफल होंगे कि वो 25,000 में सेलेक्टेड होंगे, ये वो जो लगातार 5 साल से रगड़ रहा है, इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार वो दीपावली दशहरा ठंडी गर्मी धूप छांव सब एक ही 10x10 कमरे में बिता दे रहा है, वो सफल होगा कि आप सफल होंगे, आप माने हम सफल होंगे। वास्तव में अगर अच्छी रणनीति नहीं है तो आपके लिए हर परीक्षा हमेशा पहाड़ रहेगा। लोग कहते हैं ना नौकरी नहीं ले बेरोजगार रहे, आप कभी अपने आप के झांक के देखो कि आप में कमियां है या नहीं है। पद तो आते हैं, UPSC तो हर साल जारी करती है कैलेंडर, हर साल वैकेंसी क्लियर करती है, आइए लीजिए हर साल 10,000, 1,900, 750, 800 लोगों को हर साल IAS PCS और IFS बनाती है, आप भी लाइन में आइए, लेकिन उसके लिए शॉर्टलिस्टेड होना पड़ता है, उसके लिए अच्छी रणनीति चाहिए। मैं भी 2 स्टेज तक गया, लेकिन फिर बाद में मुझे भी लगा मुझे में कमियां थी, मैं भी 25,000 में था बाद में बाहर हो गया, लेकिन हाँ 27 लाख में तो नहीं था। आप 25,000 में होने के लिए आपको मेहनत करना पड़े, एक स्टेज पार करने के लिए किसी परीक्षा के लिए, उसके लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, और सबसे बड़ा पढ़ने का ट्रेंड नया होना चाहिए। अब 15, 26, 23 परीक्षा पूछता है, और किसी कोचिंग में जाइए चलाते छाला छपवाते हैं, कहते हैं यार तो 2,000 रुपया फीस लेता है, 1,000 रुपया फीस ले रहा है, ये भूल जाते हैं कि इसमें भी कुछ होता है। वो ये डॉक्टर दिखाने को कहेंगे अच्छा डॉक्टर दिखाया तो झोला छाप है, खाना खाना कहें बढ़िया सब्जी नहीं आलू बढ़िया वाला दीजिए, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो गुणवत्ता समझौता कर लेते हैं वो।
अगर कोई कोई 5000 रुपये मांग रहा है, मुझे 5000 रुपये चाहिए, और कोई कहते हैं 500 रुपये पढ़ा रहा हूँ, तो तुरंत उसके यहाँ लोग पहुँच जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि इसमें भी अंतर है। और बाद में कहेंगे मैंने पढ़ा, मेरा हुआ ही नहीं, मान ये नहीं रखता क्या पढ़ते। इसलिए एक रणनीति अच्छी होनी चाहिए। सबसे माने ये होता है क्या पढ़ना, इस बात से ज्यादा ये फर्क पड़ता है क्या नहीं पढ़ना। माने ये नहीं तो क्या पढ़ने के लिए सिलेबस इतना बड़ा होता है, इतना बड़े कोई पास होगा, नहीं पास होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जब ये पता हो जाएगा तो सिलेबस क्या होगा, सीमित हो जाएगा, उसे पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन लोग करते क्या है, जो सिलेबस से खूब वाचन करते हैं, और हम अभी बड़े खुशी खुशी पढ़ते हैं, हमें लगता है बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पूरी नोट्स लिखवा रहे हैं, इतना अच्छा खासा नोट्स बना है, और वही नोट्स को हम पढ़ते रहते हैं। फिर मैं भी ये फिर कहता हूँ कि नोट्स भी आप बार बार ना पढ़ें, सफलता का पैमाना नोट्स भी नहीं है। कि जिस दिन हम नोट्स पढ़ना शुरू करते, जैसे ये नोट्स है मेरी, चला ई लर्निंग में दुर्गेश के पास नोट्स है, ठीक, मैं अपनी नोट्स की व्याख्यान कर रहा हूँ, तो जब नोट्स होता है उस पर एक अभ्यर्थी का अध्यापक प्रति भरोसा होता है कि मैं इन्हीं की नोट्स पढ़ूंगा। आपने इस बार भी नोट्स पढ़ा, अगली बार भी नोट्स पढ़ा, लेकिन आयोग क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करता रहता है, बार बार बदलता रहता है। तो अगली बार आपने क्या कि यही नोट्स पढ़ा, जब रिवीजन करना यही नोट, तो ये चीजें आपको रट गई। लेकिन मैं कहता हूं एक बार मेरी नोट्स पढ़ने के बाद आप अगली किताब पढ़िए, नोट्स तो निचोड़ होता है, रिवीजन करना अगली किताब से करिए, भूगोल पढ़ा इससे, अगली बार इस किताब से पढ़िए। तो जब रिवीजन साथ साथ हर चीज बार नई चीजें मिलेंगी, क्योंकि हर किताब अपने आप में डिफरेंट होती है। तो जब रिवीजन करने की बारी है तो किताबों को बदल बदल रिवीजन करिए, कि नोट्स में ज्ञान सीमित हो जाता है, वही बार बार पढ़ेंगे लेकिन यह अलग अलग पढ़ेंगे। और जब जब आपको सौरमंडल पढ़ना है इसमें कुछ पढ़िए, अगले पढ़ेंगे हो सकता है एक आध तारा बढ़ा के दे दे, किसी व्याख्या कर दे, हो सकता है सौरमंडल की ऐसी चीज़ हो जो इस नोट्स में न लिखी हो। तो हर बार आपका यह होता है रिवीजन भी होता है और हमेशा नई चीज़ें मिलती हैं। इसलिए नोट्स रट्टा मारने से बेहतर है किताबों को बदल बदल के पढ़ने का प्रयास करिए, और ये सोचिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। जो लिखवाते हैं कोचिंग वोचिंग में कभी देखिएगा, मैं तो देखता हूँ कभी आ जाता है नोट्स वगैरह, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह से छपवाते हैं जैसे लगा किताब छपवाने का ठीका लेकर रखते हैं अध्यापक, ऐसे लाते हैं और पूरी किताब वही छपवाते हैं, हू एक अच्छा इधर सुधर नहीं होता। लड़के बड़े खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया नोट्स लिखवाया गया, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे एक और मैं सच बताना चाहूंगा वो समझिएगा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं परीक्षा देने के बाद कहते हैं परीक्षा बहुत सरल था, हमारे यहाँ नोट से काफी क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन फंसना और सिलेक्शन होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया 10 लाख से लेकर 27 लाख मैंने एक आंकड़ा आपको दिया था, इसमें से परीक्षा सभी देते हैं। अगर 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, पुलिस, लेखपाल, कोई भी परीक्षा हो 150, तो इसमें से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ये 2700 लाख करते हैं। 40 प्रश्न ऐसे होते हैं 2700 लाख करते हैं। 40 क्या, हमें लगता है 60 प्रश्न ऐसे होते होंगे, 20 तुक्का को लेकर 60 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो लगभग सभी के होते हैं। 40 तो मिनिमम सबके सही होते हैं, 150-40 सबके सही होंगे। तो लोग क्या कहते हैं, ये तो मेरे नोट से फंस गया, ये तो बड़ा सरल पेपर था। और आगे बढ़ते हैं, फिर 27 लाख में से 5 लाख ऐसे हो जाते हैं जिनका 70 तक स्कोर पहुंचता है। फिर 5 लाख में से फिर आते हैं 1 लाख के पास, तब पता चला 80 तक पहुंच रहे हैं। फिर 1 लाख के बाद आते हैं 80,000 में, तो ये पहुंचे पता चला 82 तक। देखिए संख्या कम हो रही तब नंबर बढ़ रहा है। और फिर पता चला लास्ट में जो कट ऑफ आई आपकी कट ऑफ वो बनी 92 की, तो आपने कहा मेरा तो 82 पहुंचा था, आप 80,000 में है। और ये कितने हैं, ये 25,000 शॉर्ट लिस्टेड है। माने आपकी लड़ाई किससे, वास्तव में सफलता सफलता पैमाना 4-5 नंबर का होता है, वहां तक तो सब पहुंचते हैं, लेकिन उस कदम को पार करने के लिए इनसे फाइट करनी पड़ती है आपकी, इन 25,000 से। यहां तक तो सब पहुंचते हैं, 82-85 देखिए 80,000 तक, 80,000 कितने पहुंचे, मान ले 85 तक मेरिट बनी, लेकिन इस 85 से 82 पहुंचने के लिए इन 25,000 को पार करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें से भी अभी आगेंगे 10,000 ऐसे होंगे जो 103 के अबव होंगे, 5-7 ऐसे होंगे जो 115-117 होंगे। मैं टफ की मेरिट बात करूं या और इस तरह से मेरिट बनने की बात करूं, ये और कम होते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे, जो जो संख्या कम होगी त्यों तो मेरिट। और लास्ट में आपने ये देखा कि 135 से लेकर या 130 से लेकर 142 तक मात्र 1700 ही लोग नंबर पाए, और सीट कितनी है आपके पास 1000, तो इनमें से 1000 होंगे, ध्यान दीजिएगा इनमें से 1000 होंगे,
तो आपको इनमें से बनना, इनमें से नहीं बनना है। और इनमें से बनने के लिए सोचिए कितने लोग को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपके बगल में कोई तेज लड़का है या लड़की, 100 लोग की क्लास है, 100 लोग में आपको अव्वल रहना है। अब अभी 100 की क्लास में अव्वल है, पूरा प्रदेश पढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में 27 लाख लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस 25,000 से आपको फाइट करना है। पूरे देश में वास्तव में 25,000 लोगों से ही फाइट करनी है, लेकिन उस फाइट के बाद फिर इनसे फाइट करनी है जिनकी संख्या 1700 है या 1000 है तो 1900 है। अब इनमें भी फाइट होगा। तो वास्तव में ये अंतर्गता हमें यही मिला कि हमें रेगुलर पढ़ना है, किसी भर्ती के लिए नहीं। जैसे लोग कहते बरसाती मेघा, मतलब भर्ती दिखी आप उछल कर आ गए, भर्ती दिखी तो उछल कर हम बाहर आ गए, भर्ती खत्म फिर पढ़ाई बंद, फिर भर्ती है, फिर फॉर्म भरे, फिर कोचिंग के लिए निकले। यह बहुत बड़ी मायने रखता है, अच्छे संस्था का चयन करना एक बात, दूसरी बात अपने आप में रेगुलरिटी रखना। और कोई भी टीचर के पढ़ाने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। मैं पूरे की बात करो, चाहे जो कोचिंग हो, चाहे मेरे यहां भी पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने से सफल नहीं होगी जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे। बस मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। पढ़ाते सारे अध्यापक है, जितने अध्यापक, कोई नहीं ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाता होगा। मैं तो नहीं पढ़ाता तो सही बात है, लेकिन और सारे लोग पढ़ाते हैं। आप इतना दिन पढ़े, कभी पढ़ा है मैंने? पढ़ना क्या आपको है, किसी भी परीक्षा किसी कोचिंग चले जाए जो सफलता का पैमाना हो तो वास्तव में अध्यापक के पास नहीं होता। अगर ऐसा होता मेरी क्लास में 100 बच्चे 100 सिलेक्शन होता, क्यों 90 का ही होता, 10 क्यों नहीं हो पाता? इसका मतलब मेरे पढ़ाने में तो कमी है, या तो उस बच्चे के अंदर प्रतिभा है जो स्वयं से नौकरी अपने आप अर्जित कर रहा है। ये आपके ऊपर है कि आपको नौकरी कैसे पानी। तो ये आप मेहनत करते, मेरा काम क्यों रास्ता मैं ये बताऊंगा, ये मत पढ़ो ये पढ़ो। तो आपको वास्तव में अभी इन 25,000 पहले शॉर्ट लिस्टेड हुई है, फिर 1700 की बात आती है। हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे पेपर था, मैं तो 50 कर लिया 42 कर लिया, लेकिन ये सोचो जो वास्तव में उनके कितने हैं अभी, क्योंकि पद तो 1000 है, पद तो 1500 है। अगर 1500 वैकेंसी होती तभी भी 1700 लड़के इतने नंबर तक है, सिलेक्शन किसका होगा? ऊपर से तो उठाएगा आयोग, तो नीचे वाले फिर रह जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये तो लगातार पढ़ते रहेंगे 25,000, ये फिर भुला जाएंगे, फिर वैकेंसी आएगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर कोचिंग की तलाश में निकलेंगे, फिर कोचिंग किसी मिला फिर एडमिशन लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर कहेंगे मेरा नहीं हुआ, फिर बैठ जाएंगे। तो इस तरह इनका प्रक्रम चलता रहता है, और बाद में कहते हैं मैं तो बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरते हैं। इनका भी अपना आकलन नहीं किया कि मैं असफल क्यों, ऐसा सोचते कभी? ये सोचना मैं असफल क्यों, क्योंकि ये पढ़ाई एक दिन में नहीं होती, तो एक महीना एक साल में भी, ये सतत रूप से चलती रहती है। और लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा आईएएस कहते हैं मैं 6 घंटे पढ़ के आईएएस हो जाता हूं, अरे भैया वो पढ़ चुका है 6 घंटा तो रिवीजन करता है डेली, 7 घंटे तो वो तो पूरा पढ़ के बांच चुका, जितना पढ़ना शुरू करो उतना तो बांच चुका है वो। जब वो शुरू करते हैं आप तो खत्म कर चुका होता है, वो तो रिवीजन करता है डेली न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बताया वो यही न्यूज़पेपर उठाते हैं जैसे मैं ही पढ़ता था, तो 7 घंटे का एनालिसिस करते हैं हम। अब पढ़ेंगे थोड़ी इतिहास भूगोल, तो बेसिक तैयार हो गया, अब तो एनालिसिस करना है ना। अब प्रश्न देख के बता देंगे इतिहास का भूगोल का है, किस अध्याय का है, हमने तो ये किया ना एनालिसिस कर लिया। लेकिन आपको क्या करना, अभी पढ़ना है फिर एनालिसिस करना है, तो मेरे लिए 7 घंटे में पूरी करण तैयार, पूरी जीएस तैयार। लेकिन आपको अभी अभी 9 घंटे कम से कम 1.5 साल से 2 साल पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप भी कहेंगे मैं तो 7 घंटा पढ़ाऊं। अभी कक्षा 6 की इतिहास की किताब की अगर बात करें तो कक्षा 6 का विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है, आप और हम भी पढ़े हैं, तब भी 50 नंबर का पेपर है, एक आधा लड़के ज्यादा लाते हो, नहीं तो कितना 42-41। अगर कहें वो किताब कितने देर में खत्म करेंगे आप, तब कहेंगे 2 दिन लग जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट से पूछेंगे कहेंगे 2 घंटा वाच के शब्द आपको व्याख्या कर देगा। तो यही अंतर हुआ कि आपका 2 दिन उसका 2 घंटा, अब उस किताब को 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और 2 घंटा पूरा वाच के बता देगा, क्योंकि पहले से पढ़ चुका है, वो रेगुलर है। तो रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस, अगर आपको सफल होना है तो रेगुलरिटी मस्ट है, और बिना रेगुलरिटी के सफलता हासिल नहीं हो सकती, ये हकीकत है, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता और इसे मानना पड़ेगा। क्योंकि सफलता का पैमाना किसी परीक्षा का देख लीजिए, जिन परीक्षा की बात करते हैं हम, पुलिस परीक्षा की बात कर लीजिए, अगर 35,000 सीट है तो 25 लाख आवेदन होते हैं, भैया होना तो 36,000 का है, इसका मतलब बाकी फिर जाएंगे अगले साल फिर दौड़े, तो उसमें 35,000 कौन होंगे, जो 35 वास्तव में उसके योग्य होंगे। अब हम आप कैसे कहेंगे योग्यता योग्यता का पैमाना, वो तो पेपर तय करेगा, मेरिट तो पेपर तय करेगा। तो यह क्वेश्चन की मैं 50 क्वेश्चन करके पेपर तो बड़ा सरल था, भैया सफल होना कट ऑफ के ऊपर तो जाओ,
अगर 40 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन पेपर सरल नहीं होगा, पेपर 150 प्रश्न है, 100 प्रश्न है पेपर में। आपको कितना आता उस बात से माने नहीं रखता, आप कितने लोग को फाइट करके ऊपर है ये माने रखता है। इसलिए आप भी जैसे भी इच्छुक हो, जैसे पढ़ना चाहें और जो भी पढ़ना चाहें, जैसा भी आप चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है हमारी बातें, मैं ये कि ये मेरे स्वविचार थे, ये मेरे स्वयं के विचार थे जो मैंने आपको बताया, मैं आपको विचार से थोप नहीं रहा हूँ, और इसको सोचना समझना आपके ऊपर है। हो सकता है कुछ और भी पैमाना हो, कई और फैक्टर हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ाई की, तब जाके आप सफल होंगे। और अगर एक परीक्षा दो परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो उससे तुरंत रुकिए ना, फिर भी लगे रहिए, लगातार रखिए। ये इसलिए बने रहिए कि अभी हमें जिस क्लास में बैठे उस क्लास को बीट करना है। अगर आप एक क्लास से बीट कर रहे हैं, मेरे जैसे जौनपुर जिले में कम से कम 50 कोचिंग होंगी और पूरे प्रदेश में 75×50 कोचिंग, और एक कोचिंग में 200 लड़के, उतने लड़कों में हैं अभी, तब आप 25,000 शॉर्टलिस्टेड होंगे। आप अगर अपने कोचिंग को पूरा लेकर चलेंगे, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें आप अव्वल हैं, आप 50 लड़कों की स्ट्रेंथ में, 100 लड़कों की स्ट्रेंथ में, 200 लड़कों की स्ट्रेंथ में अगर अव्वल नहीं है आप, तो पूरे प्रदेश की कोचिंग कैसे अव्वलता की बात करते हैं। अगर मेरा 200 की स्ट्रेंथ में अगर आप अव्वल हैं, मेरे जैसे 50 कोचिंग है जिले में, तो 50 में अगर हर कोचिंग के 200 एक लड़का अगर अव्वल होगा तो कितने हुए इस जिले से 200 50 लड़के, और 50×75 करिए कितना होगा, 50×75 करिए कितना होगा, 3750। और कोई वैकेंसी पूरे देश की आ गई तो उतने में गुणा कर दो उतने राज्य का। ये एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं अव्वलता की, और अगर 1,000 सीटें तब बताइए, तब तो मामला फंस गया। अभी हब की तो बात ही नहीं की, इलाहाबाद जैसे हब की, जहां बाल झड़ जा रहे हैं, बुढ़ापा हो जाए, लड़का इंटर पहुंच जा रहा है, लगातार पढ़ ही रहे हैं। अब उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी व्याख्या नहीं किया इसमें, मैं तो केवल ऐसे नॉर्मली जोड़ दिया औसतन कि 50 कोचिंग है, 200 के एक बंदा है, तो 50 बच्चों को मैंने मान लिया एक जिले से, क्योंकि इनकी संख्या और है जैसा कि आप भी जानते हैं और आपको भी पता है। तो इसलिए अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, और लगातार पढ़ते रहें। और आपको भी यदि बात समझ में आ गई हो या आपको बेहतर लगा हो तो आप भी, अगर आप, क्योंकि मेरे स्वयं के विचार थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसको अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि असली जो होती है शिक्षा वो मोटिवेशन होती है। अगर वो आपके अंदर जग गई तो भी आप कुछ कर पाते, अन्यथा कर नहीं सकते। क्योंकि जैसे भी एक छोटा सा मैं कह दूं, दीवार तोड़ दीजिए तो आप पूछेंगे क्यों तोड़ू, अच्छा मैं कहता नहीं तोड़ दीजिए कुछ काम है, कहें कैसे तोड़ू, मेरे पास वो चाहिए तोड़ने के लिए हथियार चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तब दीवार टूटेगा। अगर मैं ये कह दूं इस दीवार की उस पार 3 करोड़ रुपया रखे हैं, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा दीवार कैसे टूटेगा। क्यों? क्योंकि आपका मोटो आपको पता है कि यह 3 करोड़ रुपया तोड़ेंगे और सबसे जल्दी तोड़ के पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको क्यों पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको यह है किस लिए हमें पढ़ना है। मैं आपको मोटिवेट क्यों कर रहा हूं कि वास्तव में आपको भी पढ़ना है। मैं कितना वाद के चला जो टीचर है वाद के चले जाए, लेकिन पढ़ना स्वयं आपको है। जब तक आप स्वयं से मोटिवेट नहीं होंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सफलता तभी होगी जब स्वयं से आप मोटिवेट होंगे। किसी से कहने से पढ़ाई नहीं होती, ना किसी पढ़ाने से पढ़ाई होती, ये हकीकत है। अगर ऐसे होती एक कोई भी, मैं अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जिस कोचिंग में मैं इस कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता सारे बच्चे सेलेक्ट होते। का मतलब है कि जो व्यक्ति स्वयं से मेहनत करता है वही अंतिम रूप से चयनित होता है। मेरा काम है बस रास्ता दिखाना, ये पढ़ो, कि मेरा अनुभव है वही मैं आपको बता सकता हूँ। और वास्तव में पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आप मुझसे ज्यादा जानकार भी हैं। मैं अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आप यहाँ पूरे कोचिंग बैठ के 5 अध्यापकों से पढ़ते हैं, तो 5 अध्यापक से 5 सब्जेक्ट पढ़े, मैं 2, तो ज्यादा जानकार कौन हो, 2 वाला 5 वाला? तो इसका मतलब हमसे ज्यादा जानकार है, हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। इस बात को आप भी स्वीकार करिए। अब तो मुझे पढ़ रहे हैं, मैं वही पढ़ाता हूँ जो मुझे पहले से पता है, मैं नई चीजें नहीं सीखता, लेकिन आप रोज नई चीजें सीखते हैं। मुझसे भी पढ़े, अध्यापकों से पढ़े, मेरे नोट्स पढ़े, फिर मैंने एक बात और बताया, किताबें बदल बदल पढ़िए, तो आपने क्या किया, नॉलेज बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया। इसका मतलब मुझसे बेहतर है, मुझसे बेस्ट है। इस बात को भी आप स्वीकार करिए, लेकिन तब बेस्ट है जब पढ़ेंगे, तब नहीं पढ़ेंगे तब कहाँ से बेस्ट है, तो हम तो कहेंगे हम ही हैं। लेकिन आप तब बेस्ट हुए जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप 5 अध्यापकों को फेस करते हैं, 5 अच्छे अध्यापकों को, इस जनपद के, जिस जनपद में हम हैं, इस जनपद के 5 बड़े अध्यापकों को आप फेस करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी पढ़ाता चला जाता है, आपको भी पता है हमारे जो पढ़ाते हैं वो इस जिले के बेहतर हैं, प्रदेश की बात तो नहीं करते, कि जिले के अव्वल हैं। अब उनको फेस करते 5 लोग से पढ़ते हैं और मैं अकेले, तो हर टीचर की बात करो बेचारा। अब जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ,
तो आप ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के अलावा आप तो हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, साइंस भी तो पढ़ेंगे, तो उन सभी के बारे में तो आपने सीखा, तो आप मुझसे बेहतर हुए ना। मैं तो उत्तर जानता हूँ, वही पढ़ाता हूँ जो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कोई नई चीज़ पढ़ाता, क्योंकि मैं लेक्चरर जो होता है जो लेक्चर देता हूँ, मैं तो लेक्चर देता हूँ, आपको भी पता है, ऐसा नहीं किताब से देख देख छपवाना। अब मैं वही पढ़ाता हूँ जो मुझे पहले से याद है, तो मेरे पास नई चीज़ें कहाँ हुई, इसका मतलब आप मुझसे बेहतर हुए। तो बेहतर कब होंगे, जब यहाँ होंगे तब, और यहाँ कैसे पहुँचना है आपके, यहाँ पहुँचेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, पहले यहाँ का टारगेट बनाइए इन 25,000 में शॉर्टलिस्टेड होने का, फिर हम जाएंगे 1700 के पास और फिर अंतिम रूप से चयनित होंगे। इतनी लंबी कहानी होती है, मैं तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा था, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होते हैं ऐसे। तो सफलता वास्तव में आसान है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी रणनीति चाहिए और एक अच्छा मोटो चाहिए, और आप खुद से अगर वो मोटो बनाएंगे, खुद से एम के पीछे अगर आप भागें, तभी आप अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरे स्वयं के विचार थे। अगर आपको ये विचार बेहतर लगे तो और लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये शेयर करने के बाद किसी न किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट कर सकते हैं और उस व्यक्ति को आज से उस पढ़ने के लिए उस जिज्ञासा को जगा सकते हैं। हो सकता है वीडियो 10,000 लोगों के पास पहुँचे, लेकिन कोई 5 व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरी बात को समझेगा, जो मैं कहना चाह रहा था वो समझेगा, तो शायद मैं 5 लोगों का घर बचाया या 5 लोगों को सफल करने का कार्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वयं स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।